हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे चैनल पे आने के लिए, मेरे चैनल को लाइक करने के लिए और उसे सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत ढेर सारे ऐसे वीडियोज लेकर आता हूँ जिसमें कि आपको बहुत हेल्प मिलती है। अगर आप सोल्यूशन चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, उसे कमेंट करिए, उसके ऊपर मैं वीडियोज लेकर आऊंगा। और आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं बताऊंगा बारकोड प्रिंटर में प्रिंट हेड कैसे चेंज करते हैं। और ये है उस प्रिंट हेड का बॉक्स, न्यू प्रिंट हेड है और मैं इसे चेंज करना बताऊंगा। अभी जो मैं आपको प्रिंटर में चेंज करूंगा, ये प्रिंटर का नाम है TSC TE244। तो चलिए मैं आपको नया प्रिंट हेड लगा के बताता हूं, और उसके पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रिंट हेड को आखिरकार चेंज क्यों करते हैं, क्यों चेंज करना चाहिए और किस कंडीशन में चेंज करना चाहिए। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर प्रिंट हेड खराब होता है तो उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं या रिपेयरेबल होता है। तो मैं आपको बता दूं, प्रिंट हेड को रिप्लेस कर सकते हैं और वही करने की का एक सोल्यूशन है, वो रिपेयरेबल नहीं होता है। रिपेयरेबल क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस प्रिंट हेड में बहुत छोटे छोटे से माइन्यूट से एलिमेंट्स होते हैं, वो बर्स्ट हो जाते हैं तो वो रिपेयर नहीं हो सकता है, और ये कांच का होता है तो इसलिए हम सीधे के सीधे इसको रिप्लेस करते हैं। प्रिंटर का नाम है TSC TE244 और ये है उसका प्रिंट हेड। तो सबसे पहले हम उसे चल के चेंज करते हैं और सही से बताते हैं कि कैसे चेंज करना है। और एक एक स्टेप आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक स्टेप मिस कर दिया तो सही से लगा नहीं पाएंगे, उसे सेट नहीं कर पाएंगे और आपको प्रिंटिंग में दिक्कत आएगी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ चेंज करके कैसे उसे चेंज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि फॉल्ट कहाँ पे है। तो मैं बताऊंगा कि ये फॉल्ट देखिए यहाँ पे है। अब क्लोज में आकर देखिए, ये मैंने ब्लैक लाइन प्रिंट किया हुआ है तो ये यहाँ पे ये एक तो ये लाइन छोड़ रहा है और ये यहाँ पे मिस प्रिंट कर रहा है। और जब हम ऐसे ही देखेंगे तो ये वर्टिकल ऐसे सिंगल लाइन में ऐसे करके बनाएगा। और ये जो मैंने बार कोड प्रिंट ये जो प्रिंट किया है इसमें देखिए, ये कलर में ये चेंज हो गया है। ये यहाँ पे कोरियर का नाम में कोरियर EI छूट गया है और ये यहाँ पे सोल्ड बाई में B कट गया है। और ऐसे ही देखेंगे ये ऐसे करके ये वर्टिकल लाइन बनी हुई है, हर जगह पे प्रिंटिंग छोड़ रहा है। ये हैंड ओवर में D कट गया है और ये जो नीचे बार कोड है ऑर्डर में R कट गया है। तो ये इसकी वजह से देखेंगे तो ये खराब प्रिंट कर रहा है। और इसमें मैं और दिखाऊंगा, ये बार कोड में ये यहाँ पे आप अगर देखोगे ये बारीक सी लाइन आ रही है यहाँ पे, दो, एक ये आ रही है और ये एक आ रही है, इसकी वजह से ये बार कोड स्कैन नहीं होगा। तो इसलिए हमें इस प्रिंट हेड को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इसमें। तो मैंने ये बता दिया कि ये प्रिंट हेड खराब है और अब मैं इसको चेंज करके दिखाऊंगा कि इसको प्रिंट हेड को चेंज कैसे करते हैं। इसको पहले दिखाता हूँ ये प्रिंट हेड होता कहाँ पे है। ये हमने बॉक्स खोला, इसको भी खोला, ये जो यहाँ पे इसमें लगा हुआ है रिबन, इसको हम रिबन को यहाँ पे टेयर कर देंगे, हाथ से करेंगे कर सकते हैं या एक पिन ले लिया हल्का सा, ये पिन करेंगे तो ये यहाँ से ऐसे करके टेयर हो जाएगा। अब ये जो इसका सेक्शन है ये प्रिंट हेड है, ये ग्रीन वाला आप अगर देख पा रहे होंगे सही से ग्रीन वाला, और ये इसकी असेंबली है। तो अब हम इसे खोल के दिखाएंगे, इसे कैसे खोलते हैं। क्लोज लेकर आना, ये जो स्प्रिंग है इसको हम यहां से इसको ऐसे करके प्रेस करेंगे और इसको ऊपर के साइड में ऐसे करके दबा के ऊपर खींचेंगे, थोड़ा सा टाइट है। और इसको हम ये देखिए बहुत ही आसानी से ये ऐसे करके निकल गया। ये इसकी पूरी असेंबली है। अब ये देखिए यहां पे ये तीन स्प्रिंग दी हुई है जो कि इसको लगाने में सपोर्ट करती हैं। इसका ध्यान में रखिएगा कि ये गिर ना जाए, खो ना जाए। अगर इनमें से एक भी गिर गई तो आपकी प्रिंटिंग एक साइड से प्रिंट नहीं होगा सही से। तो चलिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसको इसके प्रिंट हेड को कैसे खोलते हैं। हमें इसके साइज का एक स्क्रू ड्राइवर ले लेना है और ये यहाँ पे दो पेज दिए हुए, एक और ये एक दो। और यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये यहाँ पे पिन दिया हुआ है, इसको हम एडजस्ट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अभी मैं पहले स्क्रू खोल के दिखाता हूं आपको।
छोटा वाला पेचकस लेना है, वो थोड़ा बड़ा वाला ले लिया था गलती से, और ये हमारा दूसरा पेच हो गया, ये हमारे स्क्रू ओपन हो गए हैं। अब ये जो ब्लैक वाला है ये इसकी वजह से यहाँ पे अटका हुआ है, ये हम हल्का सा इसको अंदर प्रेस करेंगे, अंदर चला गया, इस इधर वाले को ऐसे करेंगे, ये भी अंदर चला गया, अब ये यहाँ से ओपन हो गया, ये ऐसे करके आ गया, और इसको ये जो पिन है ये हमें हटानी है, ये ऐसे करके ओपन हो गया। अब न्यू प्रिंट हेड हम इसमें लगा देंगे, पन्नी में रखा होगा, और ये हमारे पास में न्यू प्रिंट हेड है, और ये देखिए दोनों सेम है, ये और ये खराब वाला है, इसमें देखने से आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा कि ये खराब है, लेकिन यहाँ पे अगर आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे बारीक सा निशान आ रहा है और ये यहाँ पे व्हाइट कलर का निशान आ रहा है, और ये अच्छे और ठीक वाले में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई भी निशान नहीं, बिल्कुल फ्रेश है। ये देखिए कांच है, और अगर ये कांच टूट जाता है इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा और दोबारा ये लग नहीं सकता है, ठीक है। तो चलते हैं, हम इसको लगाते हैं वापस सेम पोजीशन में, इसको हमने इस वाले केबल स्लॉट को हम इसमें फिट कर देंगे, आराम से लगाना है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये यहाँ पे सर्किट बोर्ड दिया हुआ है, ये अगर थोड़ा सा हिल जाएगा तो बेकार हो जाएगा, बहुत ही सावधानी के साथ में लगाना है, और फिर हम सेम पोजीशन में जिस पोजीशन पे हमने इसे निकाला था उसी सेम पोजीशन पे इसको वहाँ पे फिट कर देना है। देखिए बहुत ही आराम से लगाना है, देखिए यहाँ जैसे मैंने लगा दिया है, और इसको नीचे प्रेस कर देना है जैसे पहले था। अब उसी सेम पोजीशन पे हमें ये स्क्रू लगा देना है, ये स्क्रू लगा दिया हमने, उम्मीद है कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत हेल्प करने वाला है, और अगर मेरा चैनल का वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में न्यू है तो उसके सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि ये वीडियोस बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अपना समय देना पड़ता है और बहुत मुश्किल से ये वीडियोस बनाता हूँ। और देखिए इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम इसे यहाँ पे फिट करेंगे, देखिए अभी ये तो सेट हो गया पूरी तरह से, और ये वाली पिन को उस खोलने की ज़रूरत नहीं है, इजीली ऐसे ही लग जाएगा बिना इसे ओपन किए हुए। ये जो स्प्रिंग है ये इंटैक्ट होने चाहिए, और लगाने के लिए सेम उसी पोजीशन पे लगाना है जैसे हमने निकाला था। ये जो हुक दिए हुए हैं, ये हुक नहीं है, हुक टाइप है, इसको हम इस वाले सेक्शन में, यहाँ पे देखिए ये होल है यहाँ पे, ये इसमें फिट कर देना है इसको। तो हम सबसे पहले इसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे ऊपर, और फिर ये स्प्रिंग में हम फंसाएंगे इसको, स्प्रिंग में फंसाने के बाद में हम इसे जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी, हमने स्प्रिंग में फंसा दिया है, अब इसे हल्का सा प्रेस करेंगे और नीचे के साइड में छोड़ देंगे। अभी देखिए ये सही से नहीं लगा है, एक साइड से दबा, अब देखिए ये ठीक हो गया, स्प्रिंग आपके इस तरह से मूवमेंट करेंगे, और ये आपका प्रिंट हेड अब लग गया है। अब हम चलिए प्रिंट करके देखते हैं कि ये अब सही से प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस रिबन को हम इसको एक स्टिकर से चिपका देंगे, ये हमने स्टिकर लिया और ये इसके ऊपर में चिपका दिया, ये हमारा रिबन रोल हो गया, इसको हमने स्टिकर को असेंबली को बंद किया, रेड लाइट आ रही है तो इसको हमने एक कमांड दी, तो ये ऐसे करके प्रिंट आ रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे प्रिंट करते हैं तो वो सही प्रिंट होता है या नहीं।
पहले तो हम रेड लाइन वाला, ये एक लाइन वाला प्रिंट करते हैं। अब जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि ये जो प्रिंटर है, अब इसका प्रिंट हेड सही से लग गया और बहुत ही अच्छा प्रिंट आ रहा है। देखिए, अब मैं आपको अमेज़न वाला जो प्रिंट है वो मैं प्रिंट करके दिखाता हूं। अमेज़न वाला प्रिंट अभी करके दिखाता हूं आपको, जिसमें कि जो लाइन कट रही थी अब वो नहीं कटेगी। ये देखिए, इसमें कहीं भी पहले जो यहाँ पे कोरियर में आर कट रहा था, सोल्ड बाई में बी कट रहा था और हैंड ओवर में डी कट रहा था, तो वो इसमें बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए, बार कोड भी इसका बहुत ही अच्छे से आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये अब इजीली स्कैनेबल होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।